दोस्तों, यदि आप कोविड-19 का फर्स्ट डोज या दोनों डोज ले चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद से फेसबुक पे अपलोड करें या किसी दोस्त के पास व्हाट्सअप करें, तो इस काम को कैसे करना है इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कोविन COWIN। सेम ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ आपको कोविन जो है कि टाइप करना है और टाइप करने के बाद से फ्रेंड्स क्या करना है, आपको यहां से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद से फ्रेंड्स जो ऊपर का लाइन शो कर रहा है, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से हमारे सामने में इस प्रकार एक पेज खुल के आएगा। यहां पे लिखा हुआ है रजिस्टर साइन इन, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स दूसरा पेज हमारे सामने में इस प्रकार से खुल के आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इंटर योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कराए थे वैक्सीन के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपना पुट कर देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है गेट OTP, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद से हमें इस नंबर पे एक OTP प्राप्त होगा, तो उस OTP को हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए ये OTP आ चुका है, सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद से फ्रेंड्स थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई एंड प्रोसीड, तो ये वेरीफाई एंड प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद से क्या होगा कि हम इसके अंदर एक्सेस कर जाएंगे। अब देखिए हमने जो डोज लिया हुआ था ये यहाँ पे हमारा क्लियर नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स क्या होगा, थोड़ा लोडिंग लेगा और उसके बाद से हमारे सामने में एक दूसरा पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा और आपको बतलाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से क्या होगा कि ये हमारा सर्टिफिकेट हमारे फाइल मैनेजर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट मिनिमाइज कर देते हैं और मिनिमाइज करने के बाद से फ्रेंड्स डायरेक्ट हम आपको लेके चलते हैं फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड हुआ है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट 8 PDF, तो इसको हम ओपन करेंगे। ये एक PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हुआ है, तो आपके मोबाइल के अंदर PDF का एप्लीकेशन होना चाहिए तभी ये शो होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपना PDF फाइल से, तो ये हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे दिख जाएगा बहुत ही क्लियर क्वालिटी में। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिख जाता है कि आपने कब लगवाया था, आपका नाम या कौन सा दूसरा डोज का डेट हो रहा है, तो इस प्रकार से दिख जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इस चीज़ को आप फेसबुक पर शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये PDF फाइल में है और फेसबुक पर या तो आप फोटो अपलोड करते हैं या तो वीडियो अपलोड करते हैं। तो फेसबुक पर शेयर करने के लिए सबसे पहले इस PDF फाइल को जो है आपको JPG में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि एक फोटो के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो आप फोटो में कैसे कन्वर्ट करिएगा, इसके लिए सबसे पहले हम आप यहां से मिनिमाइज कर देते हैं और मिनिमाइज करने के बाद से चलते हैं क्रोम ब्राउजर में और बताते हैं आपको कि आप जो है PDF को JPG में कैसे कन्वर्ट करिएगा। तो अब फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर में हम आ चुके हैं, यहां पे आपको टाइप करना है PDF to JPG। सेम ऐसे ही आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर टाइप करना है PDF to JPG और टाइप करने के बाद से फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से सर्च कर लेना है और उसके बाद से जो हमारे सामने में पहला जो साइट शो कर रहा है कन्वर्ट PDF to JPG, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से गाइस यहाँ पे सेलेक्ट PDF फाइल लिखा है, इस पर हमें दोबारा से क्लिक कर लेना है और जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा ये आपके फाइल मैनेजर के अंदर एक्सेस कर जाएगा और यहाँ से क्या करना है, आपको उस PDF फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हमने इसको मार्क कर लिया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से ये जो PDF फाइल है यहाँ पे अपलोडिंग होना चालू हो गया है और उसके बाद से अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है Convert to JPG, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा PDF फाइल था ये JPG के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लिख रहा है डाउनलोड, तो इस वाले ऑप्शन पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा PDF फाइल था JPG के रूप में, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है कि ये PDF जो फाइल था वो JPG में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम यहीं से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए ये पहले PDF में था, अब JPG में यानी कि एक फ़ोटो के रूप में हो चुका है।
होगा। 20 को आसानी से आप अपने जो भी आप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो फेसबुक पे भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। अब एक बार हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, मिनिमाइज़ करने के बाद से डायरेक्ट फ़ोटो में चलते हैं और फ़ोटो के अंदर दिखा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा संतुष्टि हो जाए। जैसे कि देखिए ये फ़ोटो के अंदर आ रहा है, यानी कि जैसे ही हम ओपन कर रहे हैं ये डायरेक्ट फ़ोटो में खुल जा रहा है। इसको देखने के लिए किसी PDF एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फ़ोटो में आपको शो होगा। जैसे दूसरा फ़ोटो आपको दिख रहा है सेम वैसे ही यहाँ पे ये भी फ़ोटो दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का वीडियो। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और आगे भी इस तरह का वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।